नमस्कार, मैं दिनेश जोशी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। हफ्ते का पहला दिन और साल का आखिरी दिन, तो आशा करते हैं कि इस साल आपने हमारे एसएमसी रिसर्च कॉल से काफी मुनाफा हासिल किया होगा और आशा करते हैं कि आगे आने वाले सालों में भी आपको काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। तो इस हफ्ते एसएमसी के जो दो स्टॉक्स हैं वो है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन और दूसरा है स्वराज इंजन। तो बात करते हैं कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन की। कंपनी मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में लगी हुई है, जिसने पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे ट्रैक बिछाने और इलेक्ट्रिफिकेशन और तेल और गैस पाइपलाइन बिछाने में आदि के काम में शामिल है। कंपनी का जो मजबूत ऑर्डर इनफ्लो काफी अच्छा है। Q2 FY19 के अंत में ऑर्डर बुक की जो स्थिति वो लगभग 14,180 करोड़ रुपए है और लगभग 87% ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में और बाकी बिल्डिंग और फैक्ट्री से है। जीएमसी प्रोजेक्ट में इसकी 67% हिस्सेदारी है। जीएमसी प्रोजेक्ट की जो बिक्री है वो आने वाले समय में 15-20% की ग्रोथ की उम्मीद करते हैं और ऑर्डर इनफ्लो लगभग 4500 करोड़ रुपए के आसपास अभी फिलहाल है। कंपनी के पास रेवेन्यू और ऑर्डर इनफ्लो पर मजबूत दृश्यता है और मैनेजमेंट ने 15-20% सेल ग्रोथ की गाइडेंस भी दी है और आने वाले अगले तिमाही में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनफ्लो की और उम्मीद की जाती है। मैनेजमेंट का मानना है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के लिए बाजार में आने वाले दशक में काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद की है। कंपनी डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट दोनों बाजारों में मजबूत ट्रांसमिशन कैपेक्स के मेजर बेनिफिशियरी में से एक है और यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले 8 से 10 महीने में जो इसका टारगेट है वो है 471 रुपए। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक स्वराज इंजन की। मुख्य रूप से महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे स्वराज ट्रैक्टर में फिट होने वाले डीजल इंजन का निर्माण कर रहा है और हाईटेक इंजन का भी यह निर्माण करता है। कंपनी मैनेजमेंट से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार के निरंतर जोर के कारण डोमेस्टिक ट्रैक्टर की मांग में अच्छी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जिससे कंपनी को बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय समय पर 2022 तक एग्रीकल्चर इनकम को दोगुना करने पर भी अपने लक्ष्य को दोहराया है, जिसे बेहतर प्रोडक्टिविटी और उन्नत कृषि वास्तविकता के माध्यम से प्राप्त किया जाने की आगे प्लानिंग भी की गई है। विकास के मोर्चे की बात करें तो इसने स्वराज ट्रैक्टरों को 54 एचपी इंजन की आपूर्ति और विकास शुरू किया है, जिससे इसकी क्षमताओं का में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी की बैलेंस शीट का फिलहाल कोई डेट नहीं है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। इसके अलावा स्वराज ट्रैक्टर के पास एक मजबूत ब्रांड रिकॉल है। ट्रैक्टर उद्योग को अपनी विकास यात्रा जारी रखने की उम्मीद की जाती है और आने वाले 8 से 10 महीनों में जो इसका जो एसएमसी टारगेट देखती है वो है 1674 रुपए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर इन दोनों स्टॉक्स की डिटेल देख सकते हैं और एसएमसी की तरफ से अपने FY19 के लिए कंपनी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें 10 स्टॉक दिए गए हैं, वह भी आप देख सकते हैं फिलहाल एसएमसी की वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच।